नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए हैं और सबके घर में तरह तरह के हम व्रत के खाने बनाएंगे। तो चलिए आज बनाएंगे व्रत की एक ऐसी थाली जो फटाफट से बन भी जाएगी, कंप्लीट थाली भी है और सबको खाने में बहुत पसंद भी आएगी। और कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसे कि घर में बहुत स्पेशली हमें मंगाना पड़े। घर के ही जितने सामान होते हैं उनसे हम ये बहुत बढ़िया व्रत की एकदम सात्विक थाली बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं सामा के चावल का उपमा, साथ में पूड़ी है, रायता है आलू का और फ्रूट क्रीम है मीठे में और आलू की सब्जी है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने आधी कटोरी के लगभग सामक के जो चावल होते हैं उनको 10 मिनट के लिए अच्छे से साफ करके भिगो दिया है। इससे बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। इतनी देर चावल भीग रहे हैं, इतनी देर सबसे पहले हम मीठे की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। मैंने 200 ml वाली फ्रूट क्रीम के लिए बनाने के लिए 200 ml वाली अमूल की क्रीम ली है। इसे अच्छे से विस्क करेंगे, ज़्यादा देर विस्क नहीं करना नहीं तो इसमें से बटर निकलने लगता है। अब इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर, आप इसकी जगह बूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर शुगर पाउडर डाल दिया है। बस चीनी को अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए और शुगर पाउडर तैयार हो जाता है। अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़े से कटे हुए फ्रूट्स डाल देंगे। ये एक ऐसा मीठा है जो व्रत में आराम से खाया जा सकता है और सबको पसंद बहुत आता है क्योंकि काफ़ी हेल्दी और हल्का है। आप फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मेरे पास घर में जो भी फ्रूट्स पड़े थे, एक मैंगो पड़ा था, थोड़े से अंगूर और अनार, तो वही सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे। इतनी देर हमारी बाकी की तैयारी होगी। इतनी देर में हमारा बहुत अच्छा ये फ्रूट क्रीम मीठा बनके तैयार हो जाएगा। है ना फटाफट की रेसिपी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी सब लोग भी, आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदार भी ये वीडियो देख सकें और नई नई रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। अब बनाएंगे चटनी। चटनी तो व्रत की जान होती है, लेकिन बहुत आराम से बनाएंगे और व्रत का ही सारा सामान डालेंगे। आधा कप पुदीने के साफ धोकर पत्ते, 3-4 हरी मिर्चें और 1 कप हरे धनिए के पत्ते डंडियों के साथ, आधा चम्मच व्रत वाला नमक डाला है, आधा चम्मच भुना जीरा और 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे बस। और कोई भी चीज़ इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। चटनी अच्छे से कलर ग्रीन रहे और अच्छे से पिस जाए इसके लिए मैंने इसमें 3 आइस क्यूब डाल दिए हैं। आइस क्यूब डालने से एक तो हमें पानी नहीं डालना पड़ता, दूसरा चटनी एकदम हरी रहती है। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से चटनी पीस लेंगे और ये देखिए एकदम ग्रीन, एकदम फ्रेश, एकदम चटनी बनके तैयार है। और बड़े आराम से आप इसको 3-4 दिन तक व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ व्रत के ही मसालों का इस्तेमाल किया है। अब मिक्सी के उसी जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे रायते में डालेंगे। इससे हमारा रायता बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और टेस्टी बनेगा। 400 ग्राम के लगभग दही है, इसे मैंने घर में ही जमाया था और अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे। इसके बाद आधा चम्मच व्रत वाला नमक डाल देंगे और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे। साथ में जो मिक्सी के जार में हमने पानी चला के रखा था चटनी का, वो इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारे रायता बहुत सुंदर ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन का कलर का बनेगा और एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा क्योंकि इसमें हमें धनिया और पुदीना जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर डल गया है। बस अब अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर मैंने एक छोटा साइज़ का आलू था उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। आलू का रायता व्रत में बहुत बढ़िया लगता है। और थोड़े से अनार के दाने डाल दिए हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालें, पर एक बार ही आप इस तरह से रायता बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा और व्रत की ये थाली बहुत अच्छी कंप्लीट बन जाएगी। आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी उठाकर फ्रिज में रख देंगे। चटनी हमने तैयार कर ली, फ्रूट क्रीम तैयार कर ली और रायता, तीनों चीज़ों को उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। बस अब हमारा बहुत थोड़ा सा काम रह गया। चावल इतनी देर तक भीग गए हैं, अब हम बनाएंगे बहुत बढ़िया समा के चावल का उपमा। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल लिया है, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसके अंदर 1 चम्मच बारीक काटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब बहुत सारे मसाले तो व्रत में डाले नहीं जाते, हमारे यहाँ व्रत में जो मसाले खाए जाते हैं मैंने उसी से ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। अगर आपके घर में कोई और मसाले भी इस्तेमाल होते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब 15-20 दाने मूंगफली के डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमें मूंगफली फ्राई करनी है। इसके बाद हम 1 करी पत्ते की, पहले 8-10 पत्ते जो है वो फ्रेश करी पत्ता था वो डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक। अगर आप अदरक नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, वैसे व्रत में अदरक खा लिया जाता है। मैंने अच्छे से चेक करके वही सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि व्रत में खाई जा सकती हैं।
आप 7-8 काजू तो उनके बीच में से स्प्लिट करके वो भी डाल देंगे। काजू सबसे आखिर में डालेंगे क्योंकि काजू एकदम से जल जाते हैं, और अगर काजू जल जाएंगे तो नाश्ते का मज़ा नहीं आएगा, नाश्ते का नहीं खाने का। आज मैंने बिल्कुल बाजार जैसी परफेक्ट थाली बनाकर तैयार की है। हम इस थाली को 500 से 600 रुपये में बाजार जाकर खाते हैं, जबकि घर में तो आप बड़े आराम से 100-150 रुपये में पूरे घर के लिए थाली तैयार कर लेंगे। अब मैंने इसमें एक छोटा कटा हुआ टमाटर डाल दिया। टमाटर को बारीक चॉप किया है, आधा चम्मच व्रत वाला नमक और आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर। हमारे यहाँ व्रत में लाल मिर्च और हल्दी नहीं खाई जाती, अगर आपके यहाँ खाई जाती है तो आप उसमें को भी डाल सकते हैं। बस अब वो व्रत वाले जो चावल हमने भिगो के रखे थे उनका पानी निकाल देंगे और वो डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे लगभग 2 गुना पानी, यानी जितने हमने चावल लिए हैं, आधी कटोरी मैंने चावल लिए थे और पूरा 1 कटोरी भर के मैंने पानी डाल दिया। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट नाप होता है, इससे हमारा उपमा बिल्कुल खिला खिला बनेगा। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा हम इसका ढक्कन जो है लगा देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। 6 या 7 मिनट के अंदर ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इतनी देर हम 6-7 मिनट ये बन रहा था, इतनी देर मैंने दूसरी तैयारी कर ली, तो बस अब हमारा बहुत कम काम बचा है। लगभग 4 चीज़ें हमारी बन गई हैं, और इस तरह की थाली आप बाज़ार में जाकर खाइए तो उसमें पता नहीं वो कैसे तेल या सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि घर में आप सब सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके यहाँ व्रत में खाई जाती हैं। ये देखिए हमारा बहुत बढ़िया जो है ये व्रत की थाली बनकर तैयार हो गई। अब चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। आलू की सब्जी जो है व्रत में वो बिल्कुल सिंपल बनाई जाती है। कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो उसके अंदर 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ या पीसा हुआ अदरक डाल देंगे। मैंने इसमें पीसा हुआ अदरक डाला है क्योंकि बच्चे जो है वो कई बार खाने से मना करते हैं। ये थाली आपकी इतनी सिंपल और अच्छी बनके तैयार होगी कि बच्चे क्या बड़े क्या सब व्रत रखने के लिए राजी हो जाएंगे। इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपके यहाँ टमाटर खा लेते हैं तो आप इसमें भी टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हम 1/2 किलो के लगभग आलू थे उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके और इस तरह से हाथ से फोड़ के डालने, इस तरह हाथ से फोड़ कर डाले हुए आलू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से आलू और जो अदरक और हरी मिर्च है उसको मिक्स करेंगे और 1-1.5 मिनट तक आलू को अच्छे से भून लेंगे। इससे आलू का कच्चापन खत्म हो जाएगा और आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बस अब इस समय इसमें डालेंगे मसाले, और मसाले तो 2 ही डालने हैं, नमक और काली मिर्च। वो आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लें क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे चटपटे आलू व्रत के लिए बनके तैयार हैं। आप चाहें तो इस सब्जी को इस तरह से सूखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैं तरी वाले आलू बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ में बहुत बढ़िया आपको कूटू की पूरियाँ बना के दिखाऊंगी जो कि घर की नॉर्मल पूरियों से भी अच्छी बनती हैं। अब मैंने इसमें 1.25 ग्लास के लगभग पानी डाला है, और पानी डालने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसे 6-7 मिनट तक उबलने देंगे। तो आप 2 चीज़ें साथ साथ तैयार कर सकते हैं, सब्जी भी और समा के चावल भी। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 घंटे के अंदर, आधा घंटा भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वो भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि हमें वीडियो बनानी होती है, वरना 20 मिनट में ये व्रत की इतनी परफेक्ट थाली बनके तैयार होगी जो घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और टेस्टी तो ये है ही, साथ में बहुत हेल्दी भी है क्योंकि हमने बहुत ही कम सेवल, अभी तक मैंने 2 ही चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसे बॉयल कर लिया और हमारी बहुत बढ़िया व्रत की आलू वाली सब्जी तैयार। बस अब डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद 1 मिनट तक पकाएंगे। इसमें ना गरम मसाला, धनिया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं डाला जाता, अगर आपके यहाँ कोई मसाले डाले जाते हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आलू की सब्जी अच्छी खट्टी चटपटी बने इसके लिए मैंने इसमें 3-4 बूंदे या बिल्कुल छोटा आधा चम्मच जो है वो नींबू का रस डाल दिया है। नींबू का रस गैस बंद करने के बाद डालना है, वरना सब्जी के थोड़ा सा कड़वा होने का डर रहता है। बस अब इसको भी ढककर रख देंगे। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, तो चलिए अब बनाएंगे कूटू के आटे की बहुत ज़बरदस्त एकदम करारी कुरकुरी पूरियाँ। आप उसी बैटर से पराठे भी बना सकते हैं और पूरियाँ भी, पर मैंने आज पूरियाँ बनाई हैं। अब इसके मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू थे उनको अच्छे से उबाल के ग्रेट कर लिया। थोड़े मसाले डालेंगे, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच अदरक का पाउडर यानी अदरक पीसा हुआ, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा चम्मच ही काली मिर्च और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे आटा, मैंने इसमें 1/4 कटोरी तो कूटू का आटा डाला है, 1/4 कटोरी सिंघाड़े का आटा डाला है, और 1/4 कप के लगभग ही मैंने इसके अंदर चावल का आटा डाला है। ये व्रत वाले चावल का आटा है, यानी जो व्रत के अभी हमने समा के चावल लिए थे ना, उनको मिक्सी में अच्छे से पीस के पाउडर बना लीजिए, व्रत वाले चावल का आटा तैयार हो जाता है।
चावल का आटा डालने से पूरियां बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का एक एक दो दो चम्मच पानी डाल के इसका एक हार्ड मीडियम हार्ड डो लगा के तैयार करेंगे। इस डो को हमें सॉफ्ट नहीं लगाना और इस डो को हमें रेस्ट भी नहीं कराना। अगर आप इस डो को रेस्ट कराने के लिए रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाएगा, और अगर ऐसा बाई चांस आपके साथ हो भी जाए तो आप घबराएं नहीं, बस उसके अंदर थोड़ा सा आटा और मिला दें। और कूटू का आटा और सिंघाड़े का आटा मिलाकर खाने का क्या फ़ायदा होता है कि कूटू का आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो सिंघाड़े का आटा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ना आपको ये थाली आराम से डाइजेस्ट करा देंगी और आपको बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगेगा, और चावल के आटे से हमारी पूरियां बहुत क्रिस्पी बनेंगी। बस अब एक छोटी छोटी लोई लेंगे और उनको पतला पतला बेल लेंगे, बहुत पतला भी नहीं बेलना। अगर आप बहुत पतला बेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फ़र्क पड़ेगा कि बहुत पतला बेलने से आपकी पूरी जो है वो फूलेगी नहीं। और जिस साइज़ की मैंने पूरी बनाई है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, सारी पूरी पूरियाँ जो है वो फूली फूली बनी हैं। इतना जितना मैंने सामान लिया है ना ये 4 जनों के लिए काफ़ी है, और मैंने इतनी पूरियाँ बनाई हैं टोटल इस सामान में, 7 मेरी पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं, और इससे 4 जने तो आराम से खा ही सकते हैं। 4 नहीं तो कम से कम 3 जनों के लिए परफेक्ट है, और सब मीठा नमकीन हमने सब चीज़ों का इस्तेमाल भी किया है, और बहुत आराम से और हल्के में यानी घर में ही बहुत जल्दी से ये रेसिपी बनने भी वाली है। तो अगर आप लोग भी व्रत रख रहे हैं तो प्लीज़ इस थाली को ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। आप खुद अपने आप आकर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख पाएँ और नई नई रेसिपीज़ को ट्राई कर पाएँ। व्रत के अंदर ये थाली जो है सेहतमंद और पौष्टिक तो होती है, साथ में बहुत हल्की भी रहती है। बस आप कम ऑयल खाते हैं तो इतना कर सकते हैं कि जो मैंने पूरियां तल के तैयार की हैं उसकी जगह आप बहुत कम ऑयल में पराठे बना सकते हैं, पर मेरे घर में सबको पूरियां खानी थी तो इसलिए मैंने पूरियां तल के तैयार की हैं। इस तरह से बस धीरे धीरे हम इस सबको तलते जाएंगे और हमारी बहुत बढ़िया जो है सारी पूरियां ये आपके सामने देखिए फूल कर तैयार हो रही है। जब हम पूरी डालेंगे उस समय गैस का फ्लेम हाई रखें, और जब पूरी अच्छे से फूल जाएगी तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करने के बाद हम उसे अच्छे से सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लेंगे। आपके सामने देखिए मैंने हरी मिर्च डाली थी, हरा धनिया, बावजूद इसकी सारी पूरियां एकदम क्रिस्पी और फूली फूली बनके तैयार हुई हैं। बस इसी तरह से मैंने बाकी की पूरियां भी तल के तैयार कर ली हैं। मैं आपको एक पूरी और दिखाती हूँ, सारी पूरियां बिल्कुल अच्छे से फूल गई हैं, और ऐसी फूली फूली करारी पूरियां व्रत में अगर गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं तो मैं आपको थाली लगाकर दिखाती हूँ। ये वाली थाली अगर आप बाज़ार में जाकर खाएंगे ना तो आपको बहुत कॉस्टली बनने वाली है, और दूसरा उसमें घी तेल पता नहीं कौन सा इस्तेमाल किया हो। यह है समा के राइस का उपमा, हरी चटनी, रायता, साथ में मीठे के लिए फ्रूट क्रीम और आलू की सब्जी और फूली फूली पूरियां। वैसे आप चाहें तो साथ में थोड़ी सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट हमारी थाली बनके तैयार है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। रेसिपी में अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।